ग्वालियर में हिंदू संगठनों ने 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों के मकान तोड़े जाने की मांग की है। ग्वालियर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आज एसपी को ज्ञापन देकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीओ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में 14 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को सख्त सजा दिए जाने की जरूरत है। 14 साल की नाबालिग छात्रा को धर्म विशेष के युवक ने होटल में ले जाकर मारपीट कर रेप किया। इस घटना के मुख्य आरोपी समीर खान पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस मामले का सह आरोपी साहिल खान अभी फरार है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मुख्य आरोपी समीर खान का मकान तोड़े जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। इसके साथ ही जनकगंज और माधवगंज इलाके में भी वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा हिंदू समाज की बेटियों के साथ छेड़छाड़, हमले और अन्य मामलों में फरार आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं। इनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाना चाहिए। एसपी ने हिंदू संगठनों को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। आज एसपी ऑफिस आए हैं, आपने सबसे चर्चा की, क्या मांगे थी और क्या जवाब? देखिए, हमारी हमेशा से मांगे रही हैं जो योजनाबद्ध तरीके से हमारी हिंदू बेटियों के साथ में लगातार दुराचार हो रहा है। लवजात के नाम पर षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया जाता है, उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। ऐसा एक मामला तात्कालिक मामला है महाराजपुरा का। घटना कहाँ की थी? पुरानी छावनी के रहने वाले, लेकिन उनको 2 दिन तक उनको बुलाया गया, उनकी FIR नहीं होनी। किन संरक्षणों का, किस दमदार लोगों का, किन राजनीतिक लोगों का, नेता राजनीतिक लोगों का संरक्षण उनको प्राप्त था, 2 दिन तक FIR नहीं हुई। जब संगठन का मामला संज्ञान में आया, जाकर के FIR हुई, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 0 में जहाँ भी जाएंगे फरियादी वहाँ पर 0 में प्रकरण पंजीबद्ध होगा। ऐसा ना करते हुए 2 दिन तक FIR टाली गई और महाराजपुरा थाने में जाकर फिर FIR हुई। उसमें नाबालिग बेटी के साथ में 2 आरोपियों ने, समीर खान, साहिल खान ने बलात्कार किया, उनको मारा पीटा। इससे पूर्व एक घटना जनकगंज की थी जिसमें 4 आरोपियों ने नाबालिग बेटी के साथ में छेड़छाड़ की थी, उनके परिवार को प्राणघातक हमला किया था, जिसमें 4 आरोपी थे, 3 गिरफ्तार हो गए, 1 आरोपी फरार है, जिस पर इनाम भी घोषित हो गई है। ऐसा किनका संरक्षण प्राप्त है, उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। हमारा मांग है उस आरोपी पर इनाम बढ़ा करके उसको गिरफ्तारी की जाए। पुलिस अभी बहुत छोटा एनकाउंटर कर रहे हैं, तो ऐसे आरोपी का छोटा एनकाउंटर भी होना चाहिए। अभी जो नाबालिग बेटी का जो दुराचार हुआ है उसमें आरोपियों के मकान तोड़े जाना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल के रूप में लेना चाहिए। जैसे वहाँ पर रेप की घटना में नाबालिग बेटियों को छेड़छाड़ में तुरंत मकान को गिराया जा रहा है, कोई आवेदन निवेदन नहीं। ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, उनको गिराया जा रहा है। इससे पूर्व एक घटना हुई थी जहाँ माधुगंज थाना के अंदर, जिसमें 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ में दुराचार हुआ था। आरोपी कौन थे, संरक्षण करने वाले कौन थे? धर्म विशेष के लोग। ऐसे लोगों को भी मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने FIR नहीं होने दी और FIR होने के बाद से लगातार फरियादी पक्ष को डराया धमकाया जा रहा है कि अपने बयान बदलो। ऐसे विकृत मानसिकता के लोगों को डिपार्टमेंट में रहने का भी अधिकार नहीं और समाज में रहने का भी अधिकार नहीं। और अभी भी साकिर अली खान, हम नाम बता रहे हैं, नसरुद्दीन खान, उनको और इनाम दिया गया थाना माधुगंज से। हमने बातचीत की, बोले स्थानांतरण कोतवाली कर दिया गया। हमने उसमें मांग की थी इन ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए। हमारी अभी भी मांग है ऐसे सारे दोनों लोगों को बर्खास्त किया जाए, मकान तोड़े जाए आरोपियों को, गिरफ्तारी की जाए और NSA लगाया जाए। साहब ने बोला है कि हम नाम बढ़ाएंगे, उसमें NSA लगाएंगे और जो मकान तोड़ने की बात है उन्होंने उसमें सहमति बताई कि मकान तोड़ने की भी कार्रवाई करेंगे। हमारे TI धर्मेंद्र यादव से ये बात हुई, उन्होंने कहा हमने फीता डाला है, उसमें हमने फीता डाला है, उस पर कार्रवाई करेंगे। आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें मुख्य विषय था कि जो घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें वर्ग विशेष के द्वारा कुछ घटनाएं घटित हुई, खासतौर पर बच्चियों के लिए, तो एक महत्वपूर्ण विषय भी है क्योंकि बच्चियां सुरक्षित रखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो उसमें हम लोगों ने जो अपराध घटित हुए हैं उस सभी में इनाम किया है। एक महाराजपुरा में एक अपराध घटित हुआ है, बच्ची के साथ यौन शोषण का अपराध आया था, तो हम लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तारी किया और भविष्य के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। खासतौर पर कोचिंग वगैरह जहाँ बच्ची पढ़ने आती हैं वहाँ भी हम सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी निर्भया मोबाइल और महिला सेल के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको भी मैं लगातार इस ओर उनको निर्देश कर रहे हैं कि वो कार्रवाइयाँ करें। साथ में ही महिला संबंधी अपराध में जो आरोपी शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, मैं सभी के उन पर जो है इनाम 1-2 दिन में हम सभी पर इनाम कर रहे हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। और इसके अलावा जो
नाबालिग बच्चियों के अपहरण संबंधी जो अपराध पंजीबद्ध होते हैं, अभी जो अपराध पंजीबद्ध हुए सभी में हमने 10,000 का इनाम घोषित किया है, और जो अपराध लंबित हैं जिनमें आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई उन पे भी हम जो है अतिशीघ्र ही सभी पे अपराधियों पर इनाम घोषित करेंगे ताकि उनकी गिरफ्तारी की जाए। दो पुलिस वालों के नाम भी आए हैं। हाँ, दो उन्होंने अभी ज्ञापन दिया है, तो मैं उसका पूरा प्रकरण की परीक्षण करके और उसमें हम लोग आप